हेलो लर्नर्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स को, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट्स क्या होती हैं। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टू ट्रेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय अग्रीइंग ऑन अ प्राइस। मतलब मार्केट एक ऐसी जगह है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ट्रेड करते हैं एक प्राइस पे अग्री करने के बाद। For example, a shopping mall is a market where there are a lot of buyers and sellers, जो अलग-अलग products and services के लिए trade करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि markets को physically live ही होना चाहिए। Markets online भी हो सकती हैं। For example, Myntra and Amazon markets ही तो हैं। So there are four major types of markets, जिन्हें हम कुछ fixed characteristics के basis पे differentiate करते हैं। So firstly, let's look at those characteristics. Number of firms, degree of product differentiation, power of seller over pricing decisions, barriers to entry and exit. अब सबसे पहले समझते हैं perfect competition को. Imagine करते हैं एक oranges की market. ऐसी market में बहुत सारे shopkeepers होते हैं जो oranges को sell करते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ फर्म्स इज अ लॉट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लेकिन क्या उन ऑरेंजेस में फर्क होता है? नॉट रियली। मतलब ऑरेंजेस में कितना ही फर्क हो सकता है, राइट? इसलिए डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वेरी लिटिल। अब क्योंकि इतने सारे सेलर्स होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली मार्केट में, तो कोई भी सेलर अपने हिसाब से कोई रैंडम प्राइस नहीं सेट कर सकता। क्योंकि अगर एक सेलर अपना प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दे, तो उसे बाकी सेलर्स से काफ़ी लड़ना पड़ेगा। और अगर वो सेलर अपना प्राइस बहुत हाई सेट कर दे, तो कोई बायर आके उससे ऑरेंज खरीदेगा ही नहीं। इसलिए सेलर्स डोंट हैव पावर ओवर प्राइसिंग डिसीजंस। अब क्योंकि मार्केट में इतने सारे बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी सेलर मार्केट ईजिली एग्जिट भी कर सकता है और कोई भी न्यू सेलर ईजिली मार्केट एंटर भी कर सकता है। इसलिए देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। नाउ लेट्स लुक एट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इमेजिन करते हैं टूथपेस्ट की मार्केट को। यहाँ भी सेलर्स काफी होते हैं, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन जितने नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट ऑफ टूथपेस्ट, लाइक कोलगेट, क्लोज अप, एप्सोडेंट, बाबुल एट्सेट्रा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जब किसी नई मार्केट में जाओ तो आपको ऑल टुगेदर कोई न्यू ब्रांड ही मिल जाए। इसलिए नंबर ऑफ सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज मैनी बट नॉट एज मच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब ये सोचो कि हर टूथपेस्ट का ब्रांड अपना कोई यूएसपी सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजअप की यूएसपी उसकी फ्रेशनेस होती है। कोलगेट की यूएसपी होती है कि वो सभी डेंटिस्ट का नंबर वन रिकमेंडेड ब्रांड है। पेप्सोडेंट की यूएसपी उसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड टीथ वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही सभी टूथपेस्ट ब्रांड्स अपनी सेल किसी यूएसपी के बेसिस पे करते हैं। सो इवन दो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, बट सेलर्स डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट बाय एम्फसाइजिंग ऑन परसीव्ड डिफरेंसेस बिटवीन देयर प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि हर ब्रांड का अपना एक मार्केट स्टैंडिंग है और अलग यूएसपी है, इसलिए सब ब्रांड्स अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। Therefore, sellers have some power over pricing decisions. अब कंसिडर करो कि कोई न्यू ब्रांड टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता है। Would it be easy to compete with such big and established names in the industry? Not really. सिमिलरली, ब्रांड्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं और अपना एक मार्केट शेयर भी बना चुके हैं, उनके लिए भी मार्केट एग्जिट करना उतना ही मुश्किल है। इसी वजह से सेलर्स हैव फ्यू बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। नाउ लेट्स लुक एट ओलिगोपोली। कंसिडर करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट को, और उस मार्केट को सोचते ही हम सबके दिमाग में दो ही नाम आते हैं, कोक एंड पेप्सी। लेकिन इनके अलावा भी कुछ नोटेबल ब्रांड्स हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। देयरफॉर द नंबर ऑफ फर्म्स इन दिस मार्केट इज वेरी फ्यू। लेकिन सभी नोटेबल प्रोडक्ट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेप्सी इज वेरी स्वीट, कोक इज रिलेटिवली लेस स्वीट, स्प्राइट का फ्लेवर लेमनी होता है, व्हाइल मिरिंडा थोड़ी ऑरेंजी होती है। इसलिए सभी प्रोडक्ट्स हैव सम डिफरेंसेस।
क्योंकि कुछ नोटेबल लीडर्स होते हैं मार्केट में और सभी बायर्स को पता होता है कि प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, इसलिए सेलर्स थोड़ी प्राइसिंग कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जब एक सेलर अपना प्राइस कम करे या बढ़ाए, बाकी सेलर्स भी उसी सेलर को फॉलो कर लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एंड क्योंकि मार्केट में कंपेटिटर्स काफ़ी हैं, किसी भी न्यू सेलर का मार्केट में एंटर करना काफ़ी मुश्किल होता है। सिमिलरली एग्जिट भी उतना ही मुश्किल होता है। देयरफॉर बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट आर मेनी। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट टाइप ऑफ मार्केट, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं। आपने सेरेलैक का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इंडिया में बेबीज के लिए सेरेलैक इज द फर्स्ट ब्रांड दैट कम्स टू माइंड। मतलब इन्फेंट न्यूट्रिशन में सेरेलैक मार्केट लीडर है। इसी टाइप ऑफ मार्केट को हम मोनोपोली कहते हैं, जहां मार्केट में नंबर ऑफ फर्म सिर्फ एक ही होता है, विच इन दिस एग्जाम्पल इज नेस्ले सेरेलैक। अब क्योंकि मार्केट में एक ही प्रोडक्ट होता है, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन इज निल, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्ट जो डायरेक्टली सेलर से कम्पीट कर पाए। इसी रीजन की वजह से सेलर के पास पूरा प्राइसिंग कंट्रोल होता है, तो वो जब चाहे प्राइसिंग कम या बढ़ा सकता है। मोनोपोली में ब्रांड्स को यूजुअली गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। मतलब मोनोपोली आपको यूजुअली बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में ही मिलती है। इन आर एग्जाम्पल टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फेंट न्यूट्रिशन ढंग से रेगुलेटेड हो, ताकि बेबीज को किसी तरह से कोई चीज़ अफेक्ट ना करे। इसलिए सेरेलैक भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करके ही इतना बड़ा एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट बन पाया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड और यूज YouTube's क्लिप फीचर टू मेक अ नोट ऑफ दीज डिफरेंसेस। सो देयर यू हैव इट। इन सभी मार्केट्स को बहुत इजी हो जाता है किसी एग्जांपल के साथ याद करने से। सो व्हाई डोंट यू आल्सो आइडेंटिफाई सम एग्जांपल्स अराउंड यू दैट फिट इन आइदर ऑफ दीज मार्केट्स एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And if you like this video, hit the thumbs up button, hit the subscribe button, and click on the bell icon to get notified about all our interesting content. Also, feel free to comment down below with any topics that you would like us to discuss in our upcoming videos. Till then, keep learning and keep enjoying. Thanks for watching, guys. Bye.